दोस्तों, बिहाइंड द कैमरा सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में आज हम बात करने वाले हैं भारत के ऐसे डायरेक्टर की जिसने ये दिखा दिया कि इंडिया में भी टेक्नोलॉजी की वो फिल्में बन सकती हैं जो हॉलीवुड को कड़ी टक्कर दे सकें। रोबोट, आई और 2.0 जैसी फिल्में बनाकर इन्होंने प्रूफ कर दिया कि इंडिया किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रह सकता। जी हाँ दोस्तों, आज बात हो रही है इंडिया के दिग्गज डायरेक्टर एस शंकर की। इस वीडियो में आपको एस शंकर से जुड़ी वो बातें जानने को मिलेंगी जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, अभी पिछले ही वीडियो में हमने तेलुगु डायरेक्टर एसएस राजामौली की बात करी थी। अगर तेलुगु सिनेमा के पास राजामौली जैसा डायरेक्टर है तो तमिल सिनेमा में भी एस शंकर जैसा कोहिनूर है जिसके साथ हर बड़ा एक्टर काम करने की एक ख्वाहिश जरूर रखता है। जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, एस शंकर बेसिकली एक तमिल डायरेक्टर हैं जिन्होंने रोबोट, अपरिचित, शिवाजी द बॉस, आई और 2.0 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में डायरेक्ट करी हैं। ये इंडिया के हाईएस्ट पेड डायरेक्टर्स में से एक हैं जो कि अपनी आर्ट, टेक्नोलॉजी, विजुअल इफेक्ट्स और प्रोथेस्टिक मेकअप के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने रोबोट और 2.0 जैसी फिल्में बनाकर ये दिखा दिया कि इंडिया भी हॉलीवुड की तरह फिल्में बना सकता है। वहीं आई और अपरिचित जैसी फिल्मों में प्रोथेस्टिक मेकअप और विजुअल इफेक्ट का वो एग्जाम्पल पेश किया जिसे देखकर लोग स्तब्ध रह गए। इनका जन्म 17 अगस्त साल 1963 को थंजावुर डिस्ट्रिक्ट के कुमकोणम प्रांत में हुआ जो कि तमिलनाडु का हिस्सा है। इनके माता पिता का नाम है सुबह लक्ष्मी और सनमुगम। अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने सेंट्रल पॉलिटेक्निक कॉलेज से अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। ये बचपन से ही टेक्नोलॉजी और फिल्मों के काफ़ी करीब थे। कॉलेज के दौरान इनकी एक टीम हुआ करती थी जो कि स्टेज शोज करती थी। इन सभी शोज को एस शंकर डायरेक्ट करते थे, साथ ही साथ इन शोज का वे हिस्सा भी रहते थे। दोस्तों, ऐसे ही किसी शो के दौरान जाने माने डायरेक्टर एस एस चंद्रशेखर की नज़र इन पर पड़ी। वे इनके ड्रामे से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने एस शंकर को अपने पास रख लिया। दोस्तों, एस शंकर एक एक्टर बनना चाहते थे लेकिन शुरुआत इनकी एस एस चंद्रशेखर के स्क्रीन राइटर के तौर पर हुई। आगे चलकर इन्होंने एक्टर बनने की बजाय डायरेक्टर बनने का मन बना लिया। इन्होंने साल 1993 में जेंटलमैन फिल्म के जरिए अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया। फिल्म की कहानी एस शंकर की थी और स्क्रीन प्ले भी एस शंकर ने ही लिखा। फिल्म के हीरो थे अर्जुन सरजा। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करी और 175 दिनों तक थिएटर से हटी ही नहीं। इनकी फिल्में शुरुआत से ही सोशल इशू पर बेस्ड रही हैं और इनके म्यूजिक डायरेक्टर ज्यादातर फिल्मों के एआर रहमान ही रहे हैं। साल 1994 में इन्होंने प्रभु देवा के साथ अपनी दूसरी फिल्म डायरेक्ट करी। फिल्म थी कड़ालन जो कि बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियली सक्सेसफुल रही और इस फिल्म को 4 नेशनल अवार्ड भी मिले। लगातार दूसरी बार फिल्म फेयर के बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड एस शंकर को मिला। साल 1996 में इन्होंने कमल हसन के साथ इंडियन नाम की फिल्म बनाई। 15 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 45 करोड़ की कमाई करी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म को 3 नेशनल अवार्ड मिले, साथ ही साथ फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज की कैटेगरी में चूज किया गया। इस साल भी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड एस शंकर को ही मिला। 3 फिल्मों से ही एस शंकर की गिनती तमिल सिनेमा के टॉप डायरेक्टर्स में होने लगी। साल 1998 में इनकी मूवी जींस रिलीज हुई। फिल्म के हीरो थे प्रशांत और फिल्म की हीरोइन थी ऐश्वर्या राय। ये फिल्म अपने समय की सबसे महंगी फिल्म थी। फिल्म ने 35 करोड़ की कमाई करी और इस फिल्म को सुपरहिट करार दिया गया। साल 1999 में इन्होंने अर्जुन सरजा और मनीषा कोयराला के साथ फिल्म बनाई जिसका नाम रखा गया मुधालवन। फिल्म 100 दिनों तक बॉक्स ऑफिस पर चलती रही। इस फिल्म ने उस समय 56 करोड़ की कमाई करी और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म के प्लॉट की काफी तारीफ हुई। आगे चलकर इसी फिल्म को रीमेक करके नायक के नाम से हिंदी में बनाया गया, जहां फिल्म के हीरो थे अनिल कपूर और इस फिल्म को भी एस शंकर ने ही डायरेक्ट किया। ये फिल्म एस शंकर की डायरेक्ट की हुई पहली हिंदी फिल्म थी और आगे चलकर यही फिल्म एस शंकर की एकलौती फ्लॉप फिल्म भी बनी। 2003 में बॉयज फिल्म के जरिए इन्होंने तमिल सिनेमा में वापसी करी। सन 2004 में इन्होंने फिल्में प्रोड्यूस करना भी शुरू कर दिया। इन्होंने काडल नाम की फिल्म को प्रोड्यूस किया जिसे 1 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने 13 करोड़ की कमाई करी और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। सन 2005 में इन्होंने चिया विक्रम को लेकर फिल्म बनाई अनियन। फिल्म को हिंदी में नाम दिया गया अपरिचित। कहानी से लेकर एग्जीक्यूशन तक फिल्म के हर डिपार्टमेंट में तारीफ हुई। फिल्म ने 60 करोड़ की कमाई करी और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई।
इस फिल्म के लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर का फिल्मफेयर अवार्ड और तमिलनाडु स्टेट अवार्ड मिला। सन 2006 में इन्होंने वाइल्ड फिल्म प्रोड्यूस करी जिसके लिए इन्हें नेशनल अवार्ड मिला। ये एक तरफ जहां अच्छी अच्छी फिल्में डायरेक्ट कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर ये अच्छे कंटेंट को प्रोड्यूस भी कर रहे थे। इसके अलावा ये कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स में भी नजर आते रहे। सन 2007 में इन्होंने रजनीकांत को लेकर एक फिल्म बनाई, शिवाजी द बॉस। फिल्म की यूनिक कहानी और दमदार एग्जीक्यूशन के दम पर यह फिल्म तमिल सिनेमा की माइलस्टोन साबित हुई। फिल्म को ढेरों अवार्ड मिले जिसमें नेशनल अवार्ड, फिल्मफेयर अवार्ड और नंदी जैसे ढेरों अवार्ड शामिल थे। फिल्म को 60 करोड़ के बजट में बनाया गया था जो कि अपने समय की सबसे महंगी फिल्म थी। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और तमिल इंडस्ट्री की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्मों में शुमार हुई। हर फिल्म ने इनका ग्राफ ऊंचा किया। कई फिल्मों में तो इनको हीरो से ज्यादा फीस दी जाने लगी। 3 सालों के लंबे इंतजार के बाद सन 2010 में रजनीकांत स्टारर इथरन फिल्म रिलीज हुई, यानी कि रोबोट। फिल्म को 132 करोड़ के हाई बजट के साथ बनाया गया और फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करने की प्लानिंग रखी गई। फिल्म ने 290 करोड़ की कमाई करी और ये मूवी तमिल सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन गई। इस फिल्म के लिए एस शंकर को बेस्ट डायरेक्टर का विजय अवार्ड मिला। इसके बाद इनको 3 इडियट मूवी के रीमेक ननबन को डायरेक्ट करने का मौका मिला। फिल्म ने 150 करोड़ की कमाई करी और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। साल 2015 में इनकी मूवी आई रिलीज हुई। फिल्म के हीरो थे चिया विक्रम। फिल्म के वीएफएक्स को देख यही लगा कि मानो कोई हॉलीवुड की फिल्म हो। 100 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 240 करोड़ की कमाई करी और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। फिल्म की सफलता के बाद एस शंकर अपनी मूवी रोबोट के सीक्वल पर लग गए। 2018 में 2.0 फिल्म रिलीज हुई। ये एक पैन इंडिया फिल्म थी और इस फिल्म को 540 करोड़ के हाई बजट के साथ बनाया गया था। इतनी महंगी फिल्म भारत में पहले कभी नहीं बनाई गई। फिल्म ने 800 करोड़ की कमाई करी। अपने हाई बजट के कारण ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। अभी फिलहाल एस शंकर अपनी साल 1998 की ब्लॉकबस्टर फिल्म इंडियन के रीमेक में व्यस्त हैं, जहां फिल्म के हीरो हैं कमल हसन साहब और इस फिल्म को 200 करोड़ के बजट के साथ बनाया जा रहा है। इस फिल्म से भी लोगों की काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हैं। दोस्तों, आज तक एस शंकर ने जितनी भी फिल्मों को डायरेक्ट किया है उनकी कहानी खुद एस शंकर ने ही लिखी है, सिवाय ननबन फिल्म को छोड़कर। इसके अलावा अगर अपरिचित फिल्म को छोड़ दें तो एस शंकर की हर फिल्म का म्यूजिक एआर रहमान साहब ने ही दिया है। नायक फिल्म को छोड़कर कभी इन्होंने फेलियर नहीं देखा। जब से इन्होंने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया है तब से ये सफलता के शिखर पर चढ़ते गए और तमिल इंडस्ट्री के साथ साथ पूरे इंडिया में खूब नाम कमाया। इन्होंने 9 फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स निभाकर अपने एक्टर बनने का सपना भी पूरा कर लिया। कई फिल्मों को प्रोड्यूस करके इन्होंने अच्छे टैलेंट को भी मौका दिया है। दोस्तों, एस शंकर को अब तक 1 नेशनल अवार्ड, 4 फिल्मफेयर अवार्ड, 5 तमिलनाडु स्टेट अवार्ड, 2 विजय अवार्ड और साइमा अवार्ड जैसे ढेरों अवार्ड्स मिल चुके हैं। बात करें इनके मैरिटल स्टेटस की तो मैं आपको बता दूं, इनकी शादी ईश्वरी शंकर जी से हुई है। इस शादी से इनको 3 बच्चे हैं, 1 बेटा 2 बेटियां। बेटे का नाम है अर्जित शंकर, वहीं बेटी का नाम है अदिति शंकर और ऐश्वर्या शंकर। तो दोस्तों, ये रहा तमिल सिनेमा के दिग्गज डायरेक्टर एस शंकर पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो। आपको एस शंकर कैसे लगते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस डायरेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।